विराट कोहली ने की थी मैच में चीटिंग। बढ़ते मामले पर क्या बोले पूर्व दिग्गज। बांग्लादेश के आरोप से अब क्या होगा। टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया, इसके बाद से एक मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। मामला है विराट कोहली की फेक फील्डिंग का। दरअसल आपको बता दें कि विराट कोहली के ऊपर बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज नूरुल हसन ने एक बड़ा आरोप लगाया। मैच के बाद उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने बांग्लादेश की बल्लेबाजी के दौरान फेक फील्डिंग की थी, जिससे बांग्लादेश की टीम को 5 रन मिलने चाहिए थे, जो कि नहीं हुआ, और अगर ऐसा होता तो मैच के नतीजे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता था। आपको बता दें कि इसके बाद से ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लगातार फैंस और दिग्गज खिलाड़ी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इसी मामले को लेकर अब टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी राय रखी है। वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू के दौरान, एक लाइव चैट शो के दौरान कहा है कि हाँ, मुझे लगता है कि विराट कोहली ने ये फेक फील्डिंग की थी। विराट कोहली ने जो किया वो गलत था और नियम के तहत बांग्लादेश की टीम को फायदा होना चाहिए था, लेकिन अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अब चिड़िया चुग गई खेत। बता दें कि आकाश चोपड़ा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक सवाल पूछा था कि आखिरकार क्या ये फेक फील्डिंग है। इसके बाद फैंस ने लगातार अपने अपने राय रखी थी, अपने अपने सुझाव रखे थे, जिसके बाद आकाश चोपड़ा ने ICC के नियम्स को फैंस के साथ साझा किया था और अब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा है कि हाँ, विराट कोहली ने जो किया वो गलत था और वो एक फेक फील्डिंग के दायरे में आ सकता है। ICC के नियम के तहत बांग्लादेश की टीम को 5 रन दिए जाने चाहिए थे, लेकिन अगर अंपायर ने और साथ ही वहां मौजूद खिलाड़ियों ने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया तो वह अब चिल्लाने से या फिर अब किसी भी तरीके से आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। वीरेंद्र सहवाग का भी ऐसा ही कहना है। उन्होंने कहा कि अगर अंपायर ने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया है और वहीं पर तुरंत फैसला नहीं किया गया है तो अब किसी भी तरीके से आरोप लगाने से नतीजे में कोई बदलाव नहीं होगा। बहरहाल आपको ये बता दें कि बांग्लादेश की पारी का जब 7वां ओवर चल रहा था, अक्षर पटेल उस दौरान गेंदबाजी कर रहे थे, हरदीप सिंह के पास गेंद चली गई। इसके बाद उन्होंने स्ट्राइकर एंड यानी कि दिनेश कार्तिक के पास गेंद को फेंका था। विराट कोहली इस दौरान गेंद के बीच में खड़े थे, उन्होंने गेंद को थ्रो करने जैसा कुछ इशारा किया था, हालांकि विराट कोहली के हाथों में गेंद उस वक्त नहीं थी। इसी के बाद से ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और अब पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अपनी राय रखी है। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार।